नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपका पिछला साल बहुत अच्छा गया होगा और ये आने वाला साल आपके जीवन में खुशियाँ भर दे ऐसी ही मेरी मनोकामना है तो दोस्तों आज मैं लाई हूँ इस कार्यक्रम में एक नई पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूंगी और जिसका नाम है लहरों के मन में आप देख सकते हैं और इनकी रचिता ये हाइको संग्रह और इस इस पुस्तक की रचिता है सुदर्शन रत्नाकर जी आप देख सकते हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं।, नहीं तो दोस्तों सबसे पहले एक गुजारिश अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो पसंद आने पर आप इसे शेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं बात करूंगी इस हाइकू संग्रह के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगी इस पुस्तक के बारे में हार्ड बाउंड में है 2022 में प्रकाशित हुई है मूल्य मात्र तीन सौ साठ रुपए पृष्ठ एक और आयन प्रकाशन दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया है और परिचय सुदर्शन जी के बारे में हालांकि परिचय की मोहताज नहीं है फिर भी थोड़ा सा परिचय दो दर्जन से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं कहानी हाइकू से दो का, ताका लघु कथा कविता उपन्यास ये सभी रच चुकी हैं हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान और महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें और पाठ्य पुस्तकों में इनकी रचनाएं शामिल की गई हैं फरीदाबाद निवासी सुदर्शन जी का ये हाइकू संग्रह प्रकृति को समर्पित है प्रकृति के इर्द गिर्द रचा गया है और फ्लैप पर रामेश्वर कंबोज हिमांशु जी ने लिखा है और रामेश्वर कंबोज भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि रामेश्वर जी ने इस पुस्तक के बारे में क्या कहा है इन्होंने कहा है कि सुदर्शन रत्नाकर जी के हाइकू में प्रकृति सदैव मुखर रही है प्रकृति से प्रेम होने के कारण आपका मन उन हाइकू में अधिक रमता है जिनमें प्रकृति के विविध रंग बसे हों जापानी विधाओं ताका सेदोका में भी आपका प्रकृति प्रेम सर्वोपरि है और उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस पूरे संग्रह में अनुस्यूत प्रकृति के विभिन्न मनोहारी चित्र हाइकू की गरिमा बढ़ा रहे हैं और सुदर्शन जी ने इस पुस्तक को समर्पित किया है देखे इन्होंने क्या लिखा है समर्पण में कि मेरे मन में उजियारा भर दे हे माँ शारदे मन के भीतर बसी उस अज्ञात शक्ति को तथा उन सबको भी जिनके भीतर यह शक्ति विद्यमान है सादर समर्पित और उसके बाद आत्मकथ में सुदर्शन जी ने कहा है कि तिरते बादल मन सा उसके बाद लहरों के मन में मेरे हाइको संग्रह में जहाँ एक और प्रकृति के संग बिताए क्षणों का वर्णन है तो दूसरी ओर रिश्तों के भिन्न भिन्न रूप भी हैं संयोग वियोग प्रेम माता पिता का प्यार भाई बहन का स्नेह है तो जीवन के विविध रूप भी हैं उसके बाद इन्होंने लिखा है कि संग्रह के आवरण एवं रेखा चित्रों के लिए जोवियल जैस्मिन जी का हृदय तल से आभार तो थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैंने क्या देखा इस पुस्तक में मैंने क्या पाया इस पुस्तक में इन्होंने तीन भागों में हाइकू विभाजित किए हैं प्रकृति रिश्ते और विविध ये तीन भाग हैं इनके अंतर्गत सात सौ तिरसठ हाइकू हैं पांच सात पांच वन से बनाए जाते हैं ये हाइकू ये मुक्त छंद होते हैं सारगर्भित होते हैं और इनमें मैंने यही पाया सार गर्भित हैं बिंबो प्रतीकों की छटा इसमें मुझे दिखाई दी मानवीकरण श्रृंगार शांत करुण और वात्सल्य रस इसका बहुतायत है इसमें सूक्ष्म दृष्टि है विचार सरिता बही है इनमें चांद सूरज सितारे हवा लहने धुंध, वर्षा रिश्ते त्योहार विश्वास आस्था और जीवन का फलसफा ये सभी रंग मैंने इन हाइकुओं में देखे तो अब मैं थोड़े से कुछ हाइकू आपके समक्ष रखना चाहूंगी इनका पाठ करूंगी और एक आधा देखिए आप ही इस तरह से रेखा चित्र इस तरह से बना है तो कुछ हाइकुओं का आप आनंद लीजिए प्रथम हाइकू है अद्भुत आभा सुनहरी पहाड़ शिव का वास अकेला नहीं प्रकृति आसपास उठ निहार ये संदेश देती है कि प्रकृति हमारे आसपास बिखरी है हमें उसका आनंद लेना चाहिए हमें हम प्रकृति से बहुत कुछ सीखते भी हैं और एक शीर्षक को देखिए रवि ने झांका रवि ने झांका लहरों के मन में उमड़ा प्यार कितना सुंदर लिखा इन्होंने उसके बाद देखिए सहे बेचारे सैनिक पहरेदार हिम की मार ये बात सच है कि हम लोग इनका एहसान हम सैनिकों का एहसान कभी नहीं चुका सकते इस सर्दी गर्मी हर मौसम में हमारी रक्षा करते हैं अब क्योंकि शीत ऋतु आई हुई है आप जानते ही बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है और इस पर हाईको और देखिए कि नर्क समान पहाड़ों का जीवन शीत ऋतु में एक और देखिए सर्दी का दिन उड़ जाता फुर से ज्यो बचपन देखिए जी मैंने बताया आपको कि इसमें जीवन का फलसफा भी शामिल है किस क्योंकि आप जानते हैं छोटे दिन होते हैं ना सर्दी का दिन उड़ जाता फुर से ज्यो बचपन ये इन्होंने देखो अपने कैसे उपमा ली है इन्होंने और एक देखिए नहीं कटती सर्दी की लंबी रातें वृद्धावस्था में बहुत इसमें मार्मिक भी है कि सच्चाई ये है कि जो वृद्ध हैं शीत ऋतु से ज्यादा प्रभावित होते हैं वह अकेले घर के अंदर रहते हैं और उनकी जो रातें हैं उनकी कटते नहीं क्योंकि वृद्धावस्था में बहुत सी व्याधियों से जूझना पड़ता है उन्होंने व्यथा लिखी है सुदर्शन जी ने और एक बहुत सुंदर देखिए जिसके साथ होती मां की दुआएं जिसके साथ होती मां की दुआएं नभ हाथ में बहुत सुंदर नभ हाथ में और और देखिए कि पिता होते हैं पिता होते हैं नीम के पेड़ जैसे कड़वे मीठे कड़वे मीठे बहुत तो सुंदर एक और देखिए आजकल कैसे रिश्ते हो गए हैं देखिए कि अजनबी से रह रहे हैं लोग ऊंचे मकान यथार्थ एक और देखिए कि बर्फ से घर बर्फ से घर बिन एहसास रहते लोग रहते लोग गांव के रास्ते गांव के रास्ते जब से हुए पक्के लोग हैं बदले लोग हैं बदले एक और देखिए कि रखो विश्वास करो जिससे प्यार रखो विश्वास करो जिससे प्यार यही आधार यही आधार आशा की डोर छोड़ना मत साथी आशा की डोर छोड़ना मत साथी सहारा यही सहारा यही सुख की खोज प्रपंच है जीवन मिलता कहाँ मिलता कहाँ नहीं बुझती ये तृष्णाओं की प्यास नहीं बुझती ये तृष्णाओं की प्यास मिटे जीवन मिटे जीवन मिटे जीवन और अब अंतिम देखिए सात नंबर है इसका क्रम संख्या सात बहुत सुंदर है ये देखिए ध्यान से परंपराएं परंपराएं संस्कृति का आधार जोड़े रखती परंपराएं संस्कृति का आधार जोड़े रखती जोड़े रखती जोड़े रखती तो शुक्रिया दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ तब तक मुझे आज्ञा दे धन्यवाद